29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा में अपने संबोधन में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षकों को भी कुछ बहुमूल्य सलाहें दी हैं। हम उसी की चर्चा करेंगे, लेकिन एज ए टीचर के रूप में, एज एन एजुकेशनिस्ट के रूप में, जिसने अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया है, करीब करीब 40 वर्षों का जो मेरा अनुभव है हम आपके साथ शेयर करेंगे, और जो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है हम उसके कुछ अनछुए पहलुओं को भी आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप बच्चों से जुड़े रहिए, बच्चों के पेरेंट्स से जुड़े रहिए। देखिए, बच्चा जो है वो भले ही हम एज ए स्टूडेंट, चाहे जितने भी प्रोफेशनल हम हो जाएं, और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है कि आप नौकरी बदलने की जगह पर आप बच्चों के जीवन को बदलिए। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर किसी देश का प्रधानमंत्री कह रहा है तो ये उसका विजन है, क्योंकि वो अगली जनरेशन को आपके माध्यम से सफल देखना चाहता है। दोस्तों, बच्चों से कनेक्ट रहना, पेरेंट्स से कनेक्ट रहना, बच्चों के प्रति सहानुभूति रखना, बच्चों के जैसा हो करके सोचना, पेरेंट्स की जगह पर अपने आप को रख के सोचना, ये बहुत बड़ी बात है, और ये दो दिन में नहीं होगा। इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने ये कर लिया देन यू विल स्टार्ट इंजॉइंग योर प्रोफेशन। आपको लगेगा कि देन यू विल बी नोन एज ए पैशनेट टीचर। जैसा उन्होंने बताया था कि भाई नौकरी, आप बहुत लोगों को देखे होंगे कि एक जगह से कहीं ऑफर आता है, कोर्स आधा अधूरा है, छोड़ के चल, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने अपने सर्विस लाइफ में देखा है कि बहुत से लोगों का जो इंटरव्यू लेते समय टीचर्स ने साफ साफ कह दिया, मना कर दिया कि साहब जब तक बच्चों की परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम यहाँ ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, चाहे आप हमको ऑफर आप हमको दीजिए या नहीं दीजिए। ऐसे भी और ऐसे अधिकांश टीचर है जो बीच सेशन में छोड़ के नहीं जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो इंडिकेशन है वो उन लोगों के प्रति है जो थोड़े से फायदे के लिए पूरे के पूरे बच्चों के ग्रुप के साथ अन्याय करते हैं, रास्ते बीच में छोड़ के, आधा सिलेबस छोड़ करके और निकल लेते हैं। तो कनेक्ट रहिए और बच्चों के भविष्य का हमेशा ध्यान रखिए एंड ट्राई टू बिकम द पैशनेट टीचर। प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बात कहा कि आपका जो बच्चा पहले दिन पढ़ता है उस दिन से लेकर के और एग्जाम तक बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग होनी चाहिए। देखिए, अगर आप एक सेंसिटिव और सेंसिबल टीचर हैं तो हर बच्चे को आप एक लिविंग गॉड के रूप में देखेंगे, आप एक ऐसे पुष्प के रूप में देखेंगे कि जो सबसे पहले वो अंकुरित हो रहा है, फिर थोड़ा सा उसमें कली आ रही है, फिर धीरे धीरे खिल रहा है, और वो जो आनंद है वो दैवीय आनंद होती है अगर आपने अपने हृदय को विशाल कर लिया है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने हृदय को, अपने हार्ट को एक्सपेंड करिए, बच्चों को साधारण बच्चा नहीं बल्कि आप ईश्वर के रूप में जब देखना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आपका कनेक्शन बच्चे से हो जाएगा और बच्चे की हर छोटी बड़ी सफलता असफलता आपकी अपनी सफलता असफलता लगने शुरू हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया देन आपका भी कल्याण, बच्चों का भी कल्याण, समाज का भी कल्याण और देश का भी कल्याण। किसी क्लास में उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई जो बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं का ध्यान नहीं रखिए। सामान्यतः होता यह है किसी क्लास में जो बच्चे पढ़ने में 5% 10% जो बच्चे अच्छे होते हैं वो पूरे के पूरे क्लास को हाईजेक कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, आप जीवित आत्माओं के को टच कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू टच दैट इज हार्ट स्ट्रिंग, आप उनके दिल को छूने जा रहे हैं। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे का भविष्य अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए निश्चित रूप से उन बच्चों को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए जो बहुत मेहनती हैं, सिंसियर हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों की कीमत पर नहीं जो बच्चे बाई चांस किसी कारण, तो आपको पता ही नहीं कि वो बच्चा क्यों कमजोर है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के चलते हैं, हेल्थ के चलते हैं या कोई दूसरे कारण हो सकते हैं। तो आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि हर बच्चे को आप समभाव से देखें और हर बच्चे की प्रगति और हर बच्चे का विकास, हर बच्चे की सफलता आपकी अपनी प्रगति, विकास और सफलता लगे। जिस दिन आप इस फॉर्मेट में कनेक्ट हो जाएंगे आपको खूब मजा आएगा एंड यू विल स्टार्ट डांसिंग। क्लासरूम्स जो है वो वन वे होता है, हालांकि इस पर बहुत सारा काम हो रहा है, डिफरेंट बोर्ड सीबीएसई एंड डिफरेंट बोर्ड्स जो है और जितने एजुकेशनिस्ट हैं, एनसीईआरटी है, एवरी वन इज वर्किंग ऑन दिस कि भाई इट शुड बी अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि टीचर्स के लिए भी एक लर्निंग प्रक्रिया होती है। आपने देखा होगा कि जीवन में अगर आप एक सही में एक सेंसिटिव टीचर रहे होंगे, सेंसिबल टीचर रहे होंगे, तो आपको क्लासरूम से बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी नैसर्गिक मुस्कान, उनका बिहेवियर, उनके चेहरे का भाव, उनका बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत सारी चीजें, और साथ साथ किसी किसी बच्चे की क्लैरिटी ऑफ थॉट, कभी कभी तो ऐसी क्लैरिटी ऑफ थॉट हमने देखा है कि उतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट हमको नहीं थी। तो इसलिए मैंने वन वे लर्निंग नहीं हो, हम गए पूरा का पूरा हमने क्या किया, भाषण दे दिया, वॉमिट कर दिया और चले आए, नहीं, हमें बच्चों, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं बच्चों की सुनिए, क्यों, जब बच्चा सुनाएगा
तो उसकी समस्याएं साथ में आएंगी, उसकी डिफिकल्टी, उसकी परिस्थितियां, उसकी कठिनाइयां सब साथ में आएंगी। और जब आप सुनेंगे और अगर आपका हृदय विशाल होगा तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, आप बच्चे के प्रति सहानुभूति रखेंगे, उसकी समस्या का समाधान करेंगे और बच्चा निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, एज ए टीचर मैं आपको एक सजेशन यही दूंगा कि आप जब कभी भी जिस किसी भी इंस्टीट्यूशन में हैं, जो कोई भी आपका रोल है, जिस स्थिति में भी आप हैं, किसी भी बच्चे को डील करते समय सिर्फ एक दो भाव मन में लाइए। पहला तो ये है कि जो सामने खड़ा है ये भगवान है, और दूसरा ये मान के चलिए कि अगर ये मेरा अपना बच्चा होगा, अपना बच्चा, तो हम इसके साथ कैसे बिहेव करेंगे। बच्चे गलती है, बच्चे हैं तो बच्चे गलती करेंगे, बच्चों जैसा व्यवहार तो होगा ही होगा, बच्चे गलती भी करेंगे, बच्चे असफल भी होंगे, बच्चे बदमाशी भी करेंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा होगा तो आप कहते हैं हम दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप बच्चे को भगवान समझिए, अपना बच्चा समझिए, और यू ट्राई टू बी अ पैशनेट टीचर। मेरा 40 साल का अनुभव ये कहता है कि ये ऐसा यूनिक प्रोफेशन है कि आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आप में इतना आता है कि आपको लगेगा कि माने आई एम इन द सेवेंथ स्काई, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो तब जब आपके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छी अच्छी पोजिशन में आकर के और आपके सामने हम्बली आपके साथ झुकते हैं, आपसे मिलते हैं, उनको देख करके खुशी होती है। तो ट्राई टू बिकम अ पैशनेट टीचर, ट्राई टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।